अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो आज हम बनाएंगे रमजान की जान और शान जो है चिकन समोसा, और ये बनाया था राजधानी कैटरर्स ने। सो गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल ज़ैनब कुक हाउस को, तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो यहाँ पे आपको लेना है चिकन कीमा, और इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है ये मेथी। बहुत सारे लोग बोलते हैं सिर्फ स्प्रिंग ओनियंस जाता है, नहीं, केटरिंग वाले जो है वो मेथी का बहुत यूज़ करते हैं समोसे में। ओके, सो आपको पहले तड़का बना लेना है। ऑयल ले लीजिए, ज़ीरा, उसके बाद डालना है करी लीव्स। करी लीव्स ऑप्शनल है, डालना है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दीजिए। देन लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इसके बाद आपको अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है, जब तक कि लहसुन का जो रॉ स्मेल है वो निकल ना जाए। हर एक चीज़ का तरीका होता है, आप प्लीज़ उसे फॉलो करें। ये गया हल्दी, बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट है, और स्टेप बाय स्टेप आप देखें और फॉलो करें। उसके बाद जाएगा चिकन कीमा। तो चिकन को अच्छे से कीमा बना लीजिए, उसको वॉश करके एक स्ट्रेनर में रखें, उसके बाद उसका पूरा पानी जो है वो स्ट्रेन आउट कर लीजिए। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, वरना आपका जो ये है एक करी टाइप बन जाएगा। ये गया अदरक का पेस्ट, ग्रीन चिली का पेस्ट, ठीक है, अदरक और ग्रीन चिली, सॉल्ट, तो सॉल्ट एज पर योर टेस्ट आप डालें। इसके बाद इसमें जाएगा तंदूरी मसाला पाउडर, ठीक है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो इसको पहले अच्छे से भून लो आप, ठीक है, जब तक पूरा मसाला अच्छे से, और ये ना एक जुड़ा जुड़ा सा एक डो शेप में आता है, तो वो शेप आपको नहीं लाना है, इसको आपको अच्छे से भूनते रहना है, तो ये अलग अलग हो जाएगा चिकन, ठीक है। इट्स अ वेरी इजी मेकिंग। ये गया धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डालना है आपको, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ फ्रेश इन्ग्रीडियंट। और ये आ गया आपका तंदूरी मसाला पाउडर। तो ये है केटरिंग स्टाइल रमज़ान में, जो भी आप समोसे खाते हो वो इसी तरीके से बनाया जाता है, और बहुत ही बेहतरीन लगता है। और समोसे जो है वो इफ्तारी में तो होना ज़रूरी है। ये है सोया डिल लीव्स, ओके, बारीक बारीक सा चॉप कर लो आप इसको और डाल दो। ऑप्शनल है, डालना है तो डालो, मुझे सोया पर्सनली बहुत बुरा लगता है टेस्ट में, आई जस्ट हेट इट। ओके, सो ये आपने डाल दिया आधा मिक्सचर, ठंडा करना है इसको अच्छे से। तो बहुत सारे लोग समोसे बनाते हैं, तरह तरीके से समोसे बनाते हैं। कैशू नट्स, काजू जो है वो ऑप्शनल है, डालना है तो डालो, तो स्किप कर दो, बट ये एक क्रंच ऐड करता है आपके समोसे में। समोसे की पट्टी और कैशू नट जब दोनों मिलते हैं, उसका बहुत टेस्ट जो है वो अच्छा आता है, एक फ्लेवर एनहेंस होता है। ओके, सो ये है स्लरी। तो स्लरी आप कॉर्नफ्लावर का बना लो, या चाहे मैदे का बना लो, या चाहे गेहूं के आटे का बना लो, तो किसी भी चीज़ का आप स्लरी बना सकते हैं, लई जिसको बोलते हैं। ये है समोसे की पट्टी। तो समोसे की पट्टी स्वीस की जो है वो मिलती है बाज़ार में। ये स्प्रिंग ओनियंस और मेथी मिक्स है, आपको जब मिक्सचर ठंडा हो जाए तो आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गर्म मिक्सचर में जो है वो मेथी और स्प्रिंग ओनियंस बहुत सारे लोग डालते हैं, वो मत डालें, बिकॉज उससे उसका फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाता है। गाइज, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, और अगर आप कोई भी मेकिंग बनाते हैं ज़ैनब कुक हाउस को देख के, सो यू कैन टैग अस ऑन इंस्टा पेज। बहुत सारे लोग टैग करते हैं, सो आप भी अगर रमज़ान में कुछ बनाते हैं, सो डू टैग अस ऑन ज़ैनब कुक हाउस इंस्टा पेज। सो देखें आप किस तरीके से उन्होंने समोसा बना दिया बातों करते करते ही। सो दिस इज़ द टेक्निक ऑफ फोल्डिंग द समोसा। ये आते आते ही आता है, ऐसे नहीं कि बस देख लिया और बना लिया, इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बस आपको इसे डीप फ्राई कर लेना है, या फिर आप बेक कर लो। बेक में उतना टेस्ट नहीं है जितना डीप फ्राइड में टेस्ट होता है। ओके, सो गाइस, अगर आपको इस सब की मेकिंग पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो। कमेंट में बताओ कि आपको नेक्स्ट रेसिपी या मेकिंग कौन सी चाहिए। मोहम्मद अली रोड और भिंडी बाज़ार का स्ट्रीट फूड डाला है, आप ज़रूर चेक करो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।